हेलो फ्रेंड्स आई एम स्वर्णिका वर्मा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एस एल वी क्लासेज गैस टू वी आर गोइंग टू लर्न सब एम सी क्यूज बेस्ड ऑन रिसर्च मैथेडोलॉजी फॉर पी एच डी एंट्रेंस एंड एन टी एट जी आर एफ गैस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मैथेडोलॉजी के कुछ एमसी क्यूज के बारे में ओके और यहाँ पर वन थाउजेंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाई पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है तो अगर आप पूरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सारे लिंक्स को देख सकते हैं तो आपको वन थाउजेंड क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे ओके गाइज़ एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें नाउ गाइस आज का क्वेश्चन देखिए एट फिफ्टी वन ऑफिसर्स इन माई ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट सच है हाइपोथिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ठीक है तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइज ऑफिसर्स हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो हायर हैं देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट यानी जो भी एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट है उससे वो हायर है ये किसका एग्जाम्पल है कौन से हाइपोथिस का डिस्क्रिप्टिव का डायरेक्शनल का रिलेशनल या ऑल ऑफ तो ये आप खुद ही बता सकते हैं यह डिस्क्रिप्टिव का है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्यों क्योंकि यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है ना डिस्क्राइब कर रहा है कि जो ऑफिसर से ऑर्गेनाइजेशन के वो हायर हैं एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट से ठीक है तो डिस्क्राइब किया उसने तो ये इसीलिए डिस्क्रिप्टिव है यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर ओके आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस रिफर्स टू साइंस क्या रिफर करता है अ सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग नॉलेज रिसर्च मैथड एस टी ए सिक्स थर्टी सक्सेस ऑब्जेक्टिव ठीक है ओके तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक सिस्टम जो प्रोड्यूस करता है नॉलेज रिसर्च माथड का ओके गाइज सक्सेस ऑब्जेक्टिव इसमें के इंक्लूडेड होंगे और नॉलेज प्रोड्यूस तो गाइज इसका राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इट मीन्स बोथ ए एंड बी इट मीन्स सिस्टम

तो गाइज एब्स्ट्रैक्शन जो है ये साइंटिफिक मैथड में नहीं इंक्लूड है एट फिफ्टी फोर गाइज देखते हैं द डिस्कसेस फ्रेमवर्क इंटर रिलेशनशिप्स अमंग दी डैश तो यहाँ पर जो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क है वो डिस्कस करते हैं इंटर रिलेशनशिप किस किस के बीच में वेरिएबल्स है या थ्योरी तो गाइज इसका राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इट मीन्स वेरिएबल्स सो जो थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है वो डिस्कस करते हैं इंटर रिलेशनशिप वेरियबल्स के बीच में पे वेरिएबल्स आएगा नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए डैश रिसर्च इज बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म इसमें से कौन सा है रिसर्च जो बेस्ड है नेचुरलिज्म पे ये भी आप खुद ही बता सकते हो फील्ड रिसर्च डिस्क्रिप्टिव बेसिक या अप्लाइड तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी फील्ड फील्ड होगा यहाँ पे यहाँ पे दिया नहीं ए ऑप्शन हो जाएगा फील्ड रिसर्च ओके नेचुरलिज्म यानी जो नेचुरल तरीके से किया जाता है ठीक है तो फील्ड में जो सर्वे वर्वे होता है ठीक है उसी को तो बोलते हैं तो वो नेचुरली किया जाता है ना उसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल है समझ में आ गया तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एट फिफ्टी सिक्स पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड इन शॉपिंग मॉल्स आर नोन एज जो भी पर्सनल इंटरव्यूज होता है कंडक्ट होता है शॉपिंग मॉल्स में उसको क्या बोलते हैं मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू ये मैंने पहले भी करवाया है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 857 डैश इज यूज्ड टू द फ्रीस्ट ओपिनियन ऑफ द रिस्पोंडेंट बाय आस्किंग जनरल क्वेश्चन बिफोर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी मैंने गाइस पहले करवाया है इसका होगा फ्यूनल टेक्निक ओके तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बहुत ध्यान से देखिए इन डैश द द इंटरव्यूअर एंड मेंबर्स जॉइंटली कंट्रोल पेस एंड डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू ये भी मैंने बताया था ठीक है डायरेक्शन की बात कर रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा फील्ड इंटरव्यू ऑप्शन ए इज राइट आंसर जो रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस उसे बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को एट फिफ्टी नाइन रेंडमाइजेशन ऑफ टेस्ट यूनिट

ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आप खुद ही बता सकते हो यहाँ पे जब ये भी मैनुपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स की बात करेगा तो वो आप आग बून के उसको क्या बोलोगे ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च है ठीक है ऑप्शन ए आपका राइट right हो जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ही क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मेनुपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स अंडरटेकन होते हैं यानी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है variable, तो ऑप्शन ए आपका राइट right हो जाएगा Uh, ये रहा आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी एट सिक्सटी वन से अगर गाइज़ आपको पार्ट वन से देखना है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए सारे लिंक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे एंड अगर कोई भी डाउट है कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए ओके गाइज़ एंड वन मोर थिंग इज़ डैट अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो